हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। तो आप लोगों ने देखा हो कि मैंने आपको नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिखाया था, तो वो वाली साइकिल ये रही। इस वाले साइकिल में मैंने आपको क्या कर दिखाया था, ये पूरी नॉर्मल साइकिल थी, इसमें पहले से गियर इंस्टॉल थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि पूरे साइकिल के गियर्स को रिमूव कर दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें मोटर्स को इंस्टॉल किए थे जो कि PMDC मोटर थी। आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि साइकिल में कहाँ कहाँ पर हमने मोटर को इंस्टॉल किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सटर्नल मोटर हमने लगाया था जो कि फ्रेम में कुछ इस तरीके से माउंट हो जाता है। इस वाली मोटर किट की मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और आज हम आपको इसकी डिटेल रिव्यू बताएंगे। लगभग अभी से ये 10 महीने पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और कंटिन्यूसली मैंने 10 महीने से इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है। तो क्या ये आपके लिए लेना सही रहेगा, नहीं रहेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग कैसा है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर लिथियम बैटरी इंस्टॉल करी थी अपने साइकिल में, आप लेड एसिड बैटरी को इंस्टॉल करेंगे तो कैसा रहेगा, तो वो पूरी डिटेल में वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी साइकिल से। तो मैंने यहाँ पर हीरो की कंपास साइकिल यूज़ की थी जो कि 29 इंच व्हील साइज़ में थी। तो जो साइकिल हमारी वो पूरी स्टील साइकिल थी, तो इसकी जो वेट है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल साइकिल से अगर हम कंपेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक और हीरो स्प्रिंट की साइकिल है और इसकी वेट की बात की जाए तो लगभग उस वाली के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हल्की यहाँ पर मानी जाती है, और ये वाली साइकिल अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट है। और इसमें मोटर की किट इंस्टॉल कर लेने के बाद, बैटरी इंस्टॉल कर लेने के बाद ये और भी ज़्यादा वजनदार हो जाती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये स्टार्ट कैसी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कंट्रोलर बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है। ये वाली कंट्रोलर बॉक्स में की यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाती है, तो हमने यहाँ पर एक की छोटा सा बस यहाँ पर एक की लगाना होता है और ये ऐसे करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। ये कंट्रोलर है, पूरी पावर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यहाँ पर जो हमारे पास एक छोटा सा बैग दिख रहा है, इंस्टॉलेशन के टाइम में मैंने ये बैग यहाँ पर लगाया हुआ था, यहाँ पर ऊपर वाले ट्यूब पर, फिर मैंने इसे नीचे में माउंट कर दिया ताकि ये ज़्यादा सेफ रहे। ये लिथियम बैटरी है, कोई भी लेड एसिड बैटरी नहीं है। बैटरी से कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हुए वायर के अंदर चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, पीछे की साइड में यहाँ पर आपको एक मोटर दिख रहा होगा जो कि एक माउंटिंग प्लेट से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको दो फ्रीबिल दिख रहा होगा, एक फ्रीबिल है जो कि हमारे क्रैंक सेट से कनेक्टेड है। ये रहा हमारा क्रैंक सेट, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। हम क्रैंक सेट को रोटेट करते हैं तो हमारा जो चेन है वो पीछे की तरफ से घूमने लगता है। दूसरा है ये वाली मोटर, ये वाली मोटर के लिए एक अलग से हमने चेन लगाए हुए है, चेन के साथ एक अलग से आपको फ्रीबिल भी यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद हम आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म तो बता दिया, अब हम आपको इसे स्टार्ट कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने चाबी को ऑन कर रखा है। यहाँ पर थ्रोटल है, थ्रोटल मतलब ये एस्केलेटर है, इसकी मदद से ही साइकिल को हम लोग तेज बढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा हॉर्न दिया गया है। फिर आगे की साइड में यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हेडलाइट दी गई है जिसका स्विच नीचे की तरफ से है, ये कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ हो जाता है। और इसी इंडिकेटर के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर हमारे अभी बैटरी में कितना है, वहाँ पर अच्छी तरीके से शो कर जाता है। उसके बाद हम आपको इसे स्टार्ट करके दिखा देते हैं। इसे चलाना बिल्कुल ही सिंपल है, कोई भी इसे चला सकता है। आप चाहे तो इसमें पैडलिंग कर भी चला सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको बस चलाने के लिए यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से लेना है। और जैसे ही आप इसे थ्रोटल देंगे, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। और इसमें जो एक सबसे अच्छी मुझे बात लगती है कि इसमें आपको ऑटो कट ब्रेक लीवर मिलता है, उसकी मदद से अगर आप सपोज़ कीजिए, अगर मैंने यहाँ पर देखिए ब्रेक को बंद कर दिया है, यानी ब्रेक को लगा दिया है, चाहे मैं आगे वाली ब्रेक को दबा लूँ और उसके बाद कितना भी मैं थ्रोटल लूँगा तो ये हमारा मोटर काम नहीं करेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रेक को छोड़ूँगा, देखिए मोटर में पावर चला जाता है। और बात करते हैं कि इसकी पावर और परफॉर्मेंस की तो कैसी थी। तो स्टार्टिंग में मैंने जब इसे परचेज़ किया था तो इसके साथ मुझे एक छोटी सी पतली सी चेन मिली थी, तो वो वाली चेन में आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि वाली चेन जब आप इसमें इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ी सी इसमें लोड पड़ने के बाद वो चेन टूट जाती है। तो मैंने इसमें अलग से एक चेन को इंस्टॉल किया था। और इस वाली किट के साथ आपको जो एक फ्रीबिल मिलता है, वो वाली फ्रीबिल की बात की जाए तो उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वाली फ्रीबिल बहुत ही जल्दी ख़राब हो गई थी। उसके बाद मुझे फ्रीबिल को चेंज करना पड़ा, चेन को चेंज करना पड़ा। और ये वाली अगर आप मोटर किट परचेस करते हैं तो इसमें पूरी डिपेंड करती है आपकी कि आप इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर आप इसके अलाइनमेंट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो अलाइनमेंट के कारण, अच्छी नहीं होने के कारण, इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ का प्रॉब्लम आ जाएगा। चेन स्लिपिंग प्रॉब्लम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो चेन आपका बार बार स्लिप कर जाएगा। चेन है जो आपका फ्रीबिल की तरफ से बार फॉल ऑन
हो जाएगा, कभी इधर गिर जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, या फिर मोटर में जो आपको पुली मिलती है पुली के भी बाहर के साइड से ये आपको बार बार गिरने लगेगा। और बाकी जो मैंने इसमें लिथियम बैटरी इंस्टॉल की थी, तो बैटरी मैंने 24 वोल्ट 10 एम्पियर की बैटरी मैंने अलग से, ये किसी कंपनी की नहीं है, मैंने अलग किसी एक डीलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से मैंने ये बनवाई थी, आप भी इसे बनवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और इसे मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप किया है। ये देखिए बैटरी हमारा कुछ इस तरीके से बाहर आ जाता है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस बैटरी को हम इस तरीके से रिमूव कर देते हैं और जब हमें यूज़ करना होता है कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। और यहाँ पे एक डिटैचेबल क्लिप है, इस क्लिप को हम ऐसे करते हैं तो बैटरी हमारा डिटैच हो जाता है। बस यही एक छोटा सा सिंपल सा हमें चीज़ करना होता है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, उसके बाद इस साइकिल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। नॉर्मल आदमी भी यूज़ कर सकता है, अगर आपके पास लो बजट है, आप लो बजट में एक अच्छी साइकिल इलेक्ट्रिक बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाली किट आप परचेस कर सकते हैं। और साथ में ही मैं आपको बताऊँ, अगर आप लिथियम आयन बैटरी को नहीं परचेस कर सकते, उतना ज़्यादा आपके पास बजट नहीं है, तो आप लेड एसिड बैटरी भी परचेस कर सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप कोशिश करें कि किसी यूपीएस का बैटरी भी एक साथ लगाएंगे, बस इसमें एक ही यही चीज़ होता है कि यूपीएस की बैटरी लगाएंगे या फिर कोई भी लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगी, उतनी लंबी नहीं चलती है। लेकिन एक लिथियम बैटरी आप अगर आप लगाते हैं तो लगभग 1 से 2 साल तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा बैटरी के लिए। बाकी ऑल ओवर जो इसकी परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और इसे मैं आप कहिएगा तो इसे हम आपको अभी चला कर भी दिखा देंगे, बस चलाने के लिए सिंपल सा आपको इसे करना पड़ता है। और पावर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पावर। इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप कहीं भी इसे लोकल से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप अपनी साइकिल को, नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।